करेंगे चने और दो हरी मिर्चें पक के तैयार होंगे, वो बहुत ही अच्छे। ग्रेवी शामिल करेंगे, पुदीने की चटनी, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी प्लेटर बाय राबिया। आज हम बना रहे हैं ठेला स्टाइल चने चावल, जो रेड़ी पे मिलते हैं, छोटे ढाबों पे मिलते हैं, वही वाले हम चना और चावल बनाएंगे। आधा किलो मेरे पास चने हैं, मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिए थे। ये डालेंगे हम प्रेशर कुकर में, कोई मीठा सोडा नमक वगैरह नहीं डाला। खुले पानी में हम बॉईल करेंगे चनों को। कुकर की 10 मिनट की हम विसल लगवाएंगे। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें नमक, 1 टीस्पून आप साबुत धनिया डाल दें। 10 मिनट के लिए हम वेट लगा रहे हैं कुकर को। चनों को वेट लगा दिए, 10 मिनट बाद खोलते हैं इसे। आधा किलो इनको भिगो के रख देंगे। कच्ची बासमती चावल है, भिगो के रखते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू। मसाला बनाने के लिए चनों के लिए हम पैन में ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, ऐसी मोटा काट कर रफली काट के डाल दें। ये देखें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3-4 हरी मिर्चें कटी हुई, पूरा लहसुन जो होता है उसको छील के हमने डाल दिया, 2 टमाटर ऐड कर दें, ये भी रफली काट के ऐड कर दें। 2 टमाटर ऐड करेंगे और हम थोड़ा सा शामिल करेंगे इसमें पानी। इधर से छोले पकेंगे हमारे और इधर से हमारा मसाला पक जाएगा। 1/2 कप पानी शामिल कर दिए, इसे पकने के लिए रख देते हैं, सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर इनको ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें जो हमने सॉफ्ट की हैं पैन में, ये हमारी सॉफ्ट हो गई हैं, इनको ठंडा करके डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और इनको पेस्ट बना लेंगे। अब शामिल कर रहे हैं हम 1/2 कप ऑयल। आप घी में बनाना चाहें, ऑयल में बनाना चाहें, वो आपकी चॉइस है। कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रहे हैं, कुटा हुआ धनिया, चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे हल्दी। हमारे मसाले पकेंगे, फिर इसमें शामिल करेंगे हम पेस्ट जो हमने बना के रखा है। बाजार जैसे चने तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। मसाले को भून लेते हैं अच्छी तरह 5 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मसाला हमारा पक रहा है अच्छी तरह, माशाल्लाह। ये देखें बहुत ही अल्लाह जवाब ग्रेवी बनेगी इंशाल्लाह। आप इसी तरीके से बना के अपने घर में इस्तेमाल करें, मेहमानों को खिलाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं, 1 टीस्पून ही हम कुटा हुआ गरम मसाला शामिल कर रहे हैं, 5 को कर देंगे हल्का और शामिल कर देंगे फेंटा हुआ दही 1/2 कप। दही के पानी खुश्क होने तक हम भून लेंगे मसाले को, उसके बाद हम चने ऐड करेंगे। चने हमारे बहुत अच्छे नरम हो गए हैं माशाल्लाह। शामिल करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, शामिल करेंगे चने और 2 हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं। इसकी बहुत ही लाजवाब ग्रेवी बनेगी इंशाल्लाह और बहुत ही हमारे चने अच्छे पक के तैयार होंगे। दही और मसालों के साथ हमने अच्छी तरह भून लिया है चनों को। ये देखें वो बहुत ही अच्छी लाजवाब सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अभी हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, आप चनों वाला पानी ऐड कर दें। हम यखनी शामिल कर रहे हैं चिकन की, चिकन की यखनी 1 कप मेरे पास पड़ी थी, वो शामिल करके बस इनको चनों को अब पकने देते हैं, हम अपने चावल तैयार कर लेते हैं। 1 पकाने वाला चम्मच ऑयल ऐड कर दें, तड़के वाले चावल बना रहे हैं। 1 स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड कर रहे हैं, हल्का सा भून लेंगे। 1 तेज़पत्ता और मिक्स गरम मसाला थोड़ा सा, 1 टीस्पून है, जिसमें काली मिर्च भी शामिल है, लौंग भी, सफ़ेद ज़ीरा,
बड़ी इलायची, दालचीनी सारी शामिल है। प्याजों को हल्का हल्का हमने फ्राई कर लिया। अब शामिल करेंगे पानी। ये एक कप हमारे पास चावल का था, एक प्याला, और हम डेढ़ कप पानी डालेंगे। इसी को मैयर करके दो नहीं डालेंगे। आधा घंटा चावल हमने पहले भिगो के रख दिए हैं। कवर लगा देंगे, बॉयल आने तक वेट करते हैं, फिर चावल ऐड करेंगे। पानी को बॉयल आ गया है, अब इसमें ऐड करेंगे हम चावल। आधा किलो हमारे पास चावल है। पकने देते हैं, दम के टाइम पे आपको दिखाते हैं किस टाइम पे हमने दम लगाना है। इस स्टेज पे हम आके दम लगाएंगे। ये देखें कितने खिले खिले खूबसूरत से चावल हैं माशाल्लाह। बिल्कुल हल्का हल्का पानी ये देखें बचा हुआ है। ये दम लगा देंगे हम 10 मिनट का, फिर चने चावल हम सर्व करते हैं। 10 मिनट के लिए दम लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी चने हमारे तैयार हो गए माशाल्लाह। ये देखें कितने माशाल्लाह अच्छे बने हैं, और ग्रेवी भी बहुत ही लाजवाब बनी है माशाल्लाह। चने तैयार हो गए हैं, इधर से चावल भी हमारे तैयार हो गए हैं। सर्व करते हैं। ये जैसे हम ठेले से या ढाबे से लेते हैं वो ऐसे ही सर्व करते हैं, प्लेट में ऐसे ऊपर तक ऐसे ऐसे उनकी बनी होती है। ये देखिए ऐसे ये चावल सर्व हो गए हमारे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चने हम डालेंगे चावलों के ऊपर ऐसे, और ये ग्रेवी, और ये हमारे बहुत ही शानदार किस्म के चने चावल तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। शामिल करेंगे पुदीने की चटनी, हरी चटनी, धनिया, पुदीना, एक जवा लहसुन का वो ग्राइंड करके हमने दही में शामिल किए। सैलेड के ऊपर निचोड़ेंगे लेमन माशाल्लाह। लें जी तैयार हो गई हमारी रेसिपी, ट्राई करते हैं। ढाबा स्टाइल रेसिपी हमारी तैयार हुई है माशाल्लाह चने चावल की। ये मुझे बहुत ही शौक था कि मैं भी चने चावल ढाबा स्टाइल बनाऊं, तो आज मैंने बनाए हैं, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं रेसिपी। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दें इजाज़त। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।